Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic Ayurvedic and basic dental sciences. Our today's topic is Manovah Strotas Ki Vyadhya. And before starting, I would like to thank you all for your support. And इस chapter के ready to read notes available है हमारे Instagram page पे, जिसका link given है description box में. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल. दोस्तों, आज का टॉपिक है मनोवह स्रोतस की व्याधियाँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों, मनोवह स्रोतस का वर्णन जो है वो चरक संहिता में पूर्व रूपियम इंद्रियम अध्याय और उन्माद चिकित्सा अध्याय में मिलता है. बट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि मनोवह स्रोतस का अलग से कोई वर्णन नहीं किया गया है, परंतु चक्रपाणि ने यह कहा है कि मन आदि अतीन्द्रिय का मार्ग और आश्रय संपूर्ण शरीर में होता है. दोस्तों, मन का आश्रय हृदय होता है और इसीलिए जो हृदय आश्रित दशविध धमनियां होती हैं उन्हें मनोवह धमनियां भी बोलते हैं. अब दोस्तों, हम यह देखते हैं कि उन्माद व्याधि, जो कि मनोवह स्रोतस की सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन व्याधि है, इसका वर्णन चरक संहिता निदान स्थान में भी किया गया है. तो चरक ने उन्माद चिकित्सा अध्याय में यह बोला है, इसकी संप्राप्ति देते हुए, कि उन्माद की अवस्था में क्या होता है कि दोष मनोवह स्रोतस में अधिष्ठित होकर, मतलब कि लोकेशन लेकर, अपनी उन्माद व्याधि की उत्पत्ति करते हैं. इसके अलावा चरक विमान पांचवें अध्याय, मतलब कि श्रोता विमान में लिखा हुआ है कि जिनका इंद्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, ऐसे मन आदि का संपूर्ण चेतना से युक्त शरीर मार्ग और आश्रय है. दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मन आदि जिसे हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, उनका ज्ञान नहीं कर सकते, उनका जो आश्रय और मार्ग है संचरण का शरीर में, वो पूरा शरीर ही है. मतलब मन आदि का संपूर्ण चेतना से युक्त शरीर मार्ग भी है और आश्रय भी है. मतलब कि मन जहाँ से ट्रेवल करता है वो संपूर्ण शरीर को माना गया है, और जहाँ मन अधिष्ठित है वो भी पूर्ण संपूर्ण शरीर को ही माना गया है. सो दोस्तों, यह था मनोवह स्रोतस की व्याधियों का परिचय. अब हम देखेंगे कि मनोवह स्रोतस की व्याधियाँ कौन कौन सी हैं. दोस्तों, यहाँ 10 मनोवह स्रोतस की व्याधियों का वर्णन किया गया है. पहली है उन्माद, दैट इज साइकोसिस. सेकेंड इज भूतो उन्माद, दैट इज स्पेशल सिंबॉलिक साइकोटिक सिंड्रोम. थर्ड है अपस्मार, जिसको हम मॉडर्न में एपिलेप्सी से रिलेट कर सकते हैं. फोर्थ है अतत्व अभिनिवेश, दैट इज ऑब्सेसिव डिसऑर्डर. फिफ्थ है मद रोग. सिक्स्थ है मूर्छा रोग, जिसे हम फेंटिंग भी बोल सकते हैं. सेवेंथ इज संन्यास, दैट इज कोमा. एट्थ इज भ्रम रोग, मतलब कि वर्टिगो. नाइन्थ है अनिद्रा, दैट इज इनसोमनिया. एंड टेंथ इज विषाद रोग, मतलब कि डिप्रेशन. सो दोस्तों, यह थी 10 मनोवह स्रोतस की व्याधियाँ. एंड इसी के साथ हमारा मनोवह स्रोतस कंप्लीट होता है. दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो ना यार डेंटल एंड आयुर्वेदा को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Thank you for watching. Do like, share and subscribe if you found the video knowledgeable. Also, let us know in the comment box what videos you want us to make for you.